सारी जो है ईंटें पड़ी हुई हैं, यहाँ से गुजरना जो है बहुत मुश्किल हो चुका है। और मैंने यहाँ से गुजर के जाना है उस तरफ जहाँ पे मोटर लगी हुई है, और हमारा जो है रास्ता ये भी बंद है और इधर से भी बंद है। यहाँ से गुजर के मैंने चलानी है मोटर, तो मोटर चलाने के लिए यहाँ से गुजरना लाजमी है। तो अभी देखते हैं, यहाँ से एहतियात से गुजरेंगे, मोटर के पास जाते हैं। मोटर का पहले उतारना कवर, उसके बाद हमने वो पीछे से आऊँगा, वहाँ से मैंने उसको करना ऑन, क्योंकि बोर्ड बिजली का वो पड़ा हुआ है। ईंटों के ऊपर से गुजरते हैं, ये आ चुकी है जी हमारी मोटर, जो हम अच्छे से कवर करते हैं इसको, ताकि अगर बारिश वगैरह आए तो इसकी बचत हो जाए। तो आजकल जितनी हबस बनी हुई है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ना बारिश बहुत जल्द आएगी, तो इसलिए इसको कवर करना पड़ता है ताकि ये ख़राब ना हो। अगर ये मोटर में पानी चला गया, ख़राब हो गई, तो फिर प्रोसेस जो है चार पाँच दिन जो है वो डिले हो जाएगा, क्योंकि इसको फिर बनवाना होगा। तो बनाते बनाते 4 से 5 दिन गुजर जाएंगे और हमारा जो काम है वो बिल्कुल जो है बंद हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम इस तरह का काम, ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे हमें 4 या 5 दिन जो है वो काम डिले करना पड़े। तो अभी फ़िलहाल जो है इसका मैं उतारूंगा कवर, इसका कवर उतर गया। और अभी जो है ये हम स्विच लगाएंगे जहाँ पे जो है ना बोर्ड लगा हुआ है, और देखें माशाल्लाह, और देखें आज मैं इतना लेट हुआ हूँ कि सूरज जो है देखें कैसे चमक दमक रहा है। ठीक है, जब मैं आता हूँ पहले तो सूरज का नामो निशान नहीं होता, और सूरज निकलने से पहले पहले इतना सूरज होता है और मैंने अपना काम कम्प्लीट किया होता है, लेकिन आज देखें सूरज कितना निकला हुआ है। तो आज कुछ लेट हो चुका हूँ, तो कोई नहीं, इंशाल्लाह मेरे लगेंगे 15 से 20 मिनट, क्योंकि आज काम थोड़ा कम है। तो ये देखें मैंने इसको भी कवर किया हुआ था, ये देख लेते हैं ऑन ऑफ वाला। ठीक है, ये बटन बिल्कुल ख़राब हो चुका था ये वाला, इसको जो है ये डेंजरस है, इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, ये डायरेक्ट हुआ पड़ा है। और आपको पता है मोटर जब ज़्यादा चले ना तो फिर बोर्ड बहुत गर्म हीटअप हो जाता है, और इसके जो है ना 2 बटन जल चुके हैं, पहले एक साकट जली है, उसके बाद जो है बटन जो ऑन ऑफ वाला साकट वाला बटन था वही जल गया है। तो अभी जो है ये डायरेक्ट हो चुकी है, तो ये वाला बटन जो है ना ये काम नहीं करता, और ये साकट जो नहीं लगाई थी ये बिल्कुल अभी डायरेक्ट है। तो जैसे ही मैं ये मतलब ये वाला लगाता हूँ स्विच, तो मोटर ऑन हो जाती है। तो इस बटन की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ये फ़िलहाल जो है ना बिल्कुल फारग है। तो अभी ये देखें मैं मोटर, ये देखें ये डायरेक्ट लगाया, और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मोटर चल चुकी है। और अभी जो है मैं फिर वहाँ से गुजरूँगा ये ख़तरनाक से रास्ते से, क्योंकि ईंटों से बंदा यार मेरी चप्पल इस तरह की है, अगर मैं फिसला तो कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। भाई आ जा आ जा आ जा भाई पा जाओ आ जा आ जा आ जा। मैंने करनी है जी ये वाली दीवार करनी है एक, और इसके साथ ये वाली 2 दीवारें, और अंदर की जितनी भी दीवारें हैं ना तो ये करनी है, कम ही है। तो आज 4 से 5 दीवारें हैं बस, वरना पहले जो 3 से 4 दिन में करता रहा हूँ ना, तो ये मैंने सारे घर की दीवारें की हैं, और मुझे कितना लगा था 1 से 1.5 घंटा लगता था तराई करने में, और अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 मिनट लगेंगे। कि मैं हो चुका हूँ फ्री, तो अभी जा रहा हूँ मैं घर, तो बाकी मिस्त्री आएंगे तो वो अपना काम कर लेंगे। तो अभी जा रहा हूँ मैं घर, जाके तैयारी करते हैं और चलते हैं दुकान पर, बाकी मिस्त्रियों का काम है। कुछ देर जो है ना मैं इस चारपाई पर लेटा रहा हूँ, तो कुछ रेस्ट की है, तो अभी जा रहा हूँ घर। कुछ ईंटें इधर पड़ी हुई थी, और कुछ 2 ट्रालियां ना इधर सामने रोड पे पड़ी हुई थी, तो वो भी सारी गायब हो चुकी हैं, और अभी ये सिर्फ बची है एक, यहाँ पे ट्राली पड़ी हुई थी ईंटों की, वो भी सारी गायब हो चुकी है। अभी सिर्फ ये वाली ईंटें बची हैं, जो ये 7000 कुछ हैं, 7000 ये वाली ईंटें पड़ी हैं, और 1 ट्राली ये पड़ी हुई। तब सारी ईंटें जो है ना वो गायब हो चुकी हैं, लग चुकी हैं यहाँ पे। तो हमने मंगवाई थी 60000 ईंटें थी हमारे पास, तो वो सब की सब जो हैं वो लग चुकी हैं। अभी कुछ एक वो ट्राली पड़ी है, और कुछ ये पड़ी हुई है, 7000 ये है, और वो कुछ होगी 4000 वो होगी, कोई 10 से 11000 ईंटें बस पड़ी। उम्मीद है कि और भी हमें ईंटें मंगवानी पड़ेंगी, जितना सोचा था ना उससे डबल खर्चा हो रहा है भाई साहब, डबल खर्चा, खर्चे की समझ नहीं आ रही है। जनाब जी मैं आया था भाई अकमल के पास, तो भाई अकमल के बेटे ने जी बहुत अच्छे नंबर लिए, 9th क्लास का रिजल्ट आया, तो बहुत अच्छे जो है नंबर हासिल किए हैं 9th क्लास में। तो भाई अकमल बहुत बहुत आपको मुबारक हो। तो इस खुशी में भाई ने जी हमारे लिए मंगवाई है स्वीट,
तो माशाल्लाह जी 550 में से 510 नंबर हासिल किए हैं 9th क्लास में, वो भी इंग्लिश मीडियम में, बहुत अच्छे नंबर हासिल किए हैं माशाल्लाह। खाओ सर, मुंह मीठा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा भाई ले लें, आप ले रहा खा लें। ये खुशी के हैं, खुशी के, खुशी के चक्कर में हम भी खाएंगे। हाँ खाओ राज के खाओ, ये भाई को शुगर है लेकिन खुशी में है, जरूर शामिल होंगे भाई। तो हमारा जो कुछ ना घर का आ रहा है सामान, कुछ सरिया वगैरह और कुछ दो तीन चुगाठे हैं तो वो आ रही हैं, मैं उसका बैठ के यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। तो अभी जो है 20 से 25 या आधे घंटे तक जो है रिक्शा आ जाएगा सामान लेके, तो मैं वो उतरवाऊंगा, उसका मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो रिक्शा आए और मैं अपना सामान उतरवाऊँ और फिर जो है यहाँ से चला जाऊँ। तो अभी जो है रात के जो है ना 8 का टाइम हो रहा है और मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना रिक्शे का वेट कर रहा हूँ। तो बाकी जी ऑलमोस्ट हमारी जो चुगाठें कंप्लीट हो चुकी थी, हमारी सिर्फ और सिर्फ जो है ना दो चुगाठें रहते थी जो मेन डोर की होती हैं। ये सामने वाली जो जगह बची हुई है ना, आपको सही से नज़र तो नहीं आ रहा होगा, ये सामने वाली जो बड़ी चुगाठ है वो सिर्फ बच गई थी, वो जस्ट जो है ना दो चुगाठें आ रही हैं तो वो उतरवाऊंगा और कुछ जो है सरिया वगैरह है उनको मैं यहाँ पे रखवा के तो फिर इंशाल्लाह जो है गार्ड्स के जो मैं लगा के तो फिर मैं चला। तो मुझे टाइम नहीं मिला था तो अभी सुबह आया ना, तो रात को जो मैंने बताया था तो ये वाला सरिया आया था, ये कुछ सरिया जो इनके लेंटर के ऊपर जो दरवाज़ों के ऊपर जो डालना ना लेंटर, तो इन सब के लिए ये सरिया मंगवाया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कुछ दो चुगाठें थी, एक ये वाली चुगाठ एक इधर पड़ी हुई है, एक दूसरे घर की तरफ पड़ी हुई है, तो ये चुगाठ जो है ये सामने लगेगी, ये वाला जो दरवाज़ा है ना ये मेन जो इंट्रेस है तो ये चुगाठ इसकी थी। तो आज डलेगा इंशाल्लाह ये वाला सरिया और ये जो है चुगाठें इधर लगा के ना, तो ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो बाकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाकी जो है आज चुगाठों के ऊपर वाला लेंटर डाल के तो इंशाल्लाह ऊपर की चिनाई शुरू हो जाएगी और फिर जो मेन लेंटर होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ना 10 से 12 दिन के अंदर अंदर वो भी डालना शुरू कर देंगे। तो आज बहुत जो है ठंडी ठंडी रात से हवाएं चल रही है बहुत ज़्यादा, तो कल रात आया था ना तब भी हवा चल रही थी और सारी रात और सुबह सुबह मैं आया हूँ ना फिर भी जो है ना बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो आप देखें कैसे माशाल्लाह पौधे कैसे झूम रहे हैं, ये देखें बहुत तेज़ हवा है। तो आई होप कि आपको ये हमारा व्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह।